नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोरेमोन मूवी तूफानी एडवेंचर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा होने नहीं वाला है और इस मूवी से मेरे को काफी ज्यादा कम हिडन डिटेल्स या फिर फैक्ट्स बोलो मिले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना और इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना। नंबर वन, इस वाले सीन में आप क्लियरली देख सकते हो डोरेमोन के पास जो हेयर ड्रायर और कंघी होता है। अब मेरे को नहीं पता ये हेयर ड्रायर और कंघी डोरेमोन के पास क्या कर रहा है। ये जो है काफ़ी एक फनी इंसिडेंट है डोरेमोन के इस वाले मूवी के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि डोरेमोन कंघी और हेयर ड्रायर से क्या कर रहा है, तो वो अपने मूंछों को सेट करता है कंघी और हेयर ड्रायर से। ऐसा हम लोगों ने कई सारे एपिसोड में भी देखा है। नंबर टू, आप जो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो नुबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और बाकी के घरों के अंदर भी लाइट बंद है, यानी काफी ज्यादा रात हो चुका है और सब लोग जो सो चुके। जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो आप क्लियरली देख सकते हो शहर के अंदर एक भी घर का लाइट बंद नहीं है, सभी के सभी चालू है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है स्टूडियो के द्वारा। नंबर थ्री, फिलहाल हम बात करते हैं एक और मिस्टेक के बारे में जो कि इसी मूवी से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये जो आदमी है वो पूरा एकदम पी के टल्ली हो चुका है, तो वो जो अपना कैप गिरा देता है यहाँ पर, वो जो अपना कैप गिरा देता है पर उसके बाजू में ही जो है डोरेमोन का पॉकेट भी होता है। अब जो आप लोगों ने अगर देखा होगा कि डोरेमोन पॉकेट के अंदर अगर कुछ भी चीज़ प्रेशर से डालो तो वो फोर्थ डायमेंशनल में घुस जाता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये जो आदमी इतनी ताकत लगा के अपने सिर में कैप पहन रहा है, मतलब डोरेमोन का पॉकेट अपने सिर पे पहन रहा है, तो टेक्निकली उस आदमी को उस पॉकेट के अंदर घुस जाना चाहिए, वो कैसे नहीं घुसता। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नंबर फोर, इस वाले सीन में जो है जो किंग रहता है, जो यूरांडा किंग रहता है, वो जो है इस वुल्फ के अंदर घुस जाता है। पर जब वो जो वुल्फ एनीवेयर डोर के थ्रू नोबिता के शहर में आ जाता है और नोबिता के शहर में आने के बाद उस वाले पार्क में जाकर सुनियो के अंदर जब कब्जा कर लेता है, तो फिर उसके बाद उस वुल्फ का क्या होता है? फिर तो वो खुलेआम शहर में घूम रहा होगा ना, और कई सारे लोग मतलब शहर के लोगों के लिए एक तरीके से खतरा बन चुका है। तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं दिखाया गया। मेरे को ऐसा लगा था कि मूवी देखते वक्त लास्ट में उस वुल्फ के बारे में भी दिखाया जाएगा, पर वो जो वुल्फ या फॉक्स है वो तो शहर में अकेला घूम रहा है, शायद से बाद में कोई पकड़ के लेके गया होगा। तो जाते जाते कुछ इस मूवी से रिलेटेड सीन्स है जिसको मैं स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।